हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। सो लेट स्टार्ट द सेशन। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर 14 अगस्त का पढ़ते हैं। अपोजिशन पार्टीज रिजॉल्व टू फाइट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अपोजिशन पार्टीज ने रिजॉल्व प्रस्तावित किया टू फाइट लड़ने के लिए अगेंस्ट के खिलाफ मिसयूज का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ईवीएम के मिसयूज का अपोजिशन पार्टी ने प्रस्तावित किया अगेंस्ट फाइट करने का। चाइनीज इन्वॉय, चाइनीज के राजदूत रिजेक्ट रिजेक्ट किए कंपेरिजन कंपेरिजन को तुलना बिटवीन ताइवान ताइवान और एलएसी टेंशन। तालिबान डिस्पेंसेंस इजर, तालिबान ने मुक्त कर दिया इजर, शोषण दिया सिक्योरिटी को टू इंडियन मिशन इन काबुल। पीएम फैलिसिटेट इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर सीडब्ल्यूजी सक्सेस, सीडब्ल्यू सक्सेस के लिए पीएम ने इंडियन कॉन्टिजेंट को फेलिसिटेट किया। 5 ईयर्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, 5 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। तलाक पेटिशनर्स लिविंग एज हाफ डाइवोर्सेज, तलाक पेटिशनर रह रहे हैं एज जैसा कि हाफ डाइवोर्सेज, हाफ डाइवोर्स पर। नेक्स्ट न्यूज, कोलंबो क्लियर्स अराइवल ऑफ चाइनीज वेजल, चाइनीज के जहाज को आगमन पर कोलंबो ने क्लियर कर दिया। सलमान रुश्दी ऑन वेंटिलेटर विद डैमेज लीवर एंड आई, सलमान रुश्दी जो है वेंटिलेटर पर हैं, उनकी आई और लीवर दोनों डैमेज हो गए हैं। सो वी एक्सप्लेन द न्यूज। फाइव ईयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, 5 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। यहाँ पर फिगर के नीचे देखिए, नो रिलीफ, कोई राहत नहीं। द लैंडमार्क वर्डिक्ट हैज मेड लिटिल डिफरेंस टू ओमैन, बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस ओमैन के लिए लाया है। हु वर गिवेन इंस्टेंट तलाक, जिन्होंने तुरंत तलाक लिया हुआ था। डियर हस्बैंड्स हैव नॉट टेकन देम, उनके हस्बैंड जो उन्हें नहीं ले जा सकते हैं बैक वापिस, एंड दे कैन नॉट रिमैरी आइदर, और ना ही वे दोबारा विवाह कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि मीन्स डियर हस्बैंड्स हैव नॉट टेकन देम बैक, उन्हें वापस नहीं ले जा सकते हैं, एंड दे कैन नॉट रिमैरी आइदर, और दोबारा शादी भी नहीं कर सकते हैं। 5 ईयर्स आफ्टर, 5 सालों के बाद द सुप्रीम कोर्ट 5 जज बेंच अंडर चीफ जस्टिस जे एस खेहर इनवैलिडेट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इन अगस्त 2017। 5 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, 5 जज के बेंच ने चीफ जस्टिस जे एस खेहर के इनवैलिडेट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, अचानक ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इन अगस्त 2017 में द ओमैन पेटिशनर्स महिला अभियोगी कंटिन्यू जारी रखते टू लिव अ लाइफ, जीवन जीने के लिए ऑफ हाफ डाइवोर्स, हाफ डाइवोर्स का टेक्निकली स्टिल मैरिड, टेक्निकली भी वह मैरिड हो गई है, प्रैक्टिकली डाइवोर्स, दे इंजॉय नो कंजुगल राइट्स नॉर रिसीव एनी रेगुलर मेंटेनेंस फ्रॉम द स्ट्रेंज हस्बैंड्स, प्रैक्टिकली एबंडेंट, प्रैक्टिकली त्याग दिया गया। द वुमेन कैन नॉट रिमैरी इन द एब्सेंस ऑफ ए लीगली वैलिड डाइवोर्स, वुमेन जो है रिमैरी, शादी नहीं कर सकती दोबारा एब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ द लीगल वैलिड डाइवोर्स, लीगल वैलिड डाइवोर्स के। आफ्टर द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट के बाद नन ऑफ देम मैन वर विजिटेड बाई लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज एंड टोल्ड टू टेक बैक दियर वाइव्स। फर्दर इसके अतिरिक्त नो अरेस्ट कुड बी मेड फॉर गिविंग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एज द मुस्लिम वोमैन, मुस्लिम वोमैन में कोई अरेस्ट नहीं किया गया। ऑफ राइट्स ऑन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स लॉन्ग आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंस्टेंट तलाक। अ क्लाउड ऑफ कन्फ्यूजन, अ क्लाउड ऑफ कंफ्यूजन, बहुत भारी मात्रा में कंफ्यूजन हो गया। हैंग्स इन द एयर, हैंग्स इन द एयर एज द वुमेन आर अनसर्टेन, वुमेन अनिश्चित हैं ऑफ दियर एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता पर फॉर ए फ्रेश मैरिज, फ्रेश मैरिज के लिए द टॉप कोर्ट, इट मे बी रिकॉल्ड, यह रिकॉल हो सकता है, इनवैलिडेट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इन द सायरा बानो वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। वाइल रिफ्रेनिंग, दूर रखा गया फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द स्टेट ऑफ दियर मैरिज डायरेक्टली, द ओमैन हैड गॉन टू कोर्ट सीकिंग ग्रेस
सीकिंग रेस एज द विक्टिम्स ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। हाउएवर हालांकि आफ्टर द कोर्ट कोर्ट के बाद हैज सेटिसाइड रद्द कर दिया गया तलाक की विद्दत आर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक द हस्बैंड्स ऑफ द पिटिशनर्स फेल्ड असफल हो गए टू एक्सेप्ट द बैक इन मैरिज वापस शादी करने में। मैनी ऑफ द मैन इसमें से कई सारे आदमी जो हैं पुरुष जो हैं मीनिंग वाइल जबकि हैव गॉन ऑन टू द गेट मैरिड अगेन जो कि पुनः शादी कर चुके हैं एंड साइड चिल्ड्रेन इवन एज दे टॉयल थ्रू लाइफ जबकि वे परिश्रम कर रहे हैं अपने पूरे जीवन भर नन ऑफ द वुमेन हैव ऑप्टेड टू एक्सरसाइज खुला ए वुमेन इन एलिनिएबल राइट टू डिवोर्स आइदर से सायरा बानो हुज पिटीशन अगेंस्ट स्पेन तलाक बाई हस्बैंड रिजवान अहमद रिजल्टेड इन द लैंडमार्क वर्डिक्ट माई हस्बैंड इस्टेब्लिश नो कॉन्टेक्ट टू रिस्टोर मैरिज आफ्टर द जजमेंट लीगली आई एम स्टिल मैरिड टू हिम सी हैज नॉट सॉट वाल नहीं ला चुके हैं टू इंड मैरिज थ्रो खुला आइदर आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माई चिल्ड्रेन सन इज 18 डॉटर 15 आई ओनली गेट टू सी देम इन कोर्ट आई वॉन्ट टू स्पीक मैं चाहती हूँ बोलना टू देम उनके खिलाफ एटलीस्ट कम से कम ऑन फोन एक फोन बट इट इज़ नॉट पॉसिबल संभव नहीं है फॉर टू ईयर्स ड्यू टू द पेंडेमिक के दौरान दे वर ओनली ऑनलाइन हियरिंग्स सो आई हैव नॉट सीन देम सिंस देन माई हस्बैंड थ्रो हैज़ रीमैरिड नो एलिमोनी एलिमोनी में होता है अलग होने के बाद दिया जाने वाला धन अलग होने के बाद दिया जाने वाला धन होता है वो होता है एलिमोनी कोई भी एलिमोनी नहीं दिया गया आफ्टर द हिस्टोरिक वर्डिक्ट ऐतिहासिक आदेश के बाद निर्णय के बाद मिस्टर बानो वाज मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द उत्तराखंड वुमेन कमीशन मिसेस बानो जो हैं वो मिली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड वुमेन्स कमीशन के अपोजिशन से कॉन्टिन्यू उन्होंने जारी रखा टू होल्ड एट वन टाइम सी हैड टू लीव हर पेरेंटल प्लेस काशीपुर ड्यू टू सोशल आउटरेज ओवर हर डिसीजन अपने डिसीजन पर सामाजिक हिंसा के कारण उन्हें अपने पेरेंटल प्लेस काशीपुर को छोड़ना पड़ा सेज इसरत जहां ने कहा वन ऑफ द पिटिशनर्स हुज मैरिज वाज सेट टू हैव एंडेड व्हेन हर दुबई बेस्ड हस्बैंड मुर्तजा अंसारी प्रोनाउंस तलाक ऑन फोन एवरीबडी वेलकम सब लोगों ने स्वागत किया द कोर्ट वर्डिक्ट का बट व्हाट डिड आई गेन कि तो मुझे क्या मिला मुझे उससे क्या फ़ायदा हुआ नथिंग नो एलिमोनी नो मेंटेनेंस माई हस्बैंड गॉट मैरिड अगेन देन ऑफर टू टेक मी बैक माई मेरे हस्बैंड ने पुनः शादी की और उसके बाद मुझे ऑफर दिया वापस आने को हीज फैमिली इवन डिनाइज उसके फैमिली ने इनकार किया ही सेड उन्होंने कहा कि तलाक 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 आई कैन नॉट नाउ गो बैक टू हिम मैं वापस नहीं आ सकती ही हैज़ नॉट सेट मी लीगली वैलिड नॉर हैव आई टेकन डाइवोर्स थ्रू तो ये मैटर्स है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दियर हस्बैंड्स हैव नॉट टेकन देम बैक एंड दे कैन नॉट रीमैरी आइदर एंड नेक्स्ट न्यूज सलमान रुश्दी और वेंटिलेटर विद डैमेज्ड लीवर एंड आई सलमान रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं उनकी जो लीवर और आई वो दोनों खराब हो गई है सलमान रुश्दी रिमेंड हॉस्पिटलाइज्ड ऑन सैटरडे आफ्टर सफरिंग सीरियस इंजरीज इन ए स्टेबिंग अटैक में सीरियस इंजरीज से वो सफर कर रहे हैं शनिवार को उन्हें एडमिट किया गया अस्पताल में विच वाज मेड विद शॉक एंड आउटरेज फ्रॉम मच ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूट फॉर द अवार्ड विनिंग ऑथर हु वर 13 ईयर्स हैज फेस्ड डेथ थ्रेट्स फॉर हिज नॉवेल द सैटानिक वर्सेस एक नॉवेल उन्होंने लिखा था जो लगभग 30 सालों से धमकी पा रहे हैं सामना कर रहे हैं डेथ थ्रेट का मिस्टर रुश्दी 75 सफर्ड ए डैमेज लीवर नर्व इन एन आर्म एंड आई एंड वॉज ए वेंटिलेटर हिज एजेंट एंड्रू वालिया सेड ही वॉज लाइकली टू लॉस द इंजर्ड आई वो अपनी आँख को खो चुके हैं होने की संभावना है मिस्टर रुश्दी एलीग्ड कथित तौर पर कहा ए ट्रैकर हादी मटर इन फ्रॉम न्यू जर्सी ही वॉज बॉर्न इन द US टू लेबनीज ही सोशल मीडिया अकाउंट सोड ही वॉज सिंपैथेटिक टू सिया क्रिटिसिज्म एंड ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स वो IRGC ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के और सिया एक्सट्रीमिस्ट के फॉलोअर थे सो गाइज आज हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रैक्टिस अड्डा बाई ऋषि।
नेक्स्ट टाइम पर हम लोग मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नई खबर के साथ। नमस्कार।